अलवर शहर में चोर बेखौफ हो गए हैं। पुलिस का डर चोरों में नहीं रहा। पिछले 3 महीने में 3 दर्जन से अधिक वारदातें शहर में हो चुकी है। हालांकि कुछ वारदातों का पुलिस ने खुलासा भी किया है, लेकिन ऐसी कई वारदातें हैं जिसमें पुलिस आज तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई। खास बात तो ये भी है कि दिन दहाड़े भी शहर में चोरी की घटनाएं हो रही है। सोने घरों को लगातार चोरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा चोर मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे। आज चर्च रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में चोरी हो गई। घटना की जानकारी जब पंडित के मंदिर पहुंचने पर मिली। पंडित ओम प्रकाश ने बताया कि वह रोजाना की तरह आज सुबह करीब 5 बजे जब पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचा तो देखा कि मंदिर के मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। जब उसने मंदिर में सार संभल की तो पता चला कि गणेश जी की चांदी की प्रतिमा और मंदिर के दान पत्र में रखा कैश सहित अन्य सामान चोर चोरी करके ले गए। पंडित ने यह घटना की सूचना तुरंत कोतवाली पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस सब आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी है। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका, क्या मंदिर का नाम है? यहाँ चर्च रोड पंचमुखी महादेव जी मंदिर नाम है। पंडित जी ओम प्रकाश व्यास बोल रहा हूँ। मैं सुबह 5:15 बजे आया जब मेरा गेट खुला हुआ था थोड़ा बहुत, और पीछे को भीतर ताला भी टूटा हुआ पड़ा था, सारा सामान फैला पड़ा। और मेरे यहाँ सामान ठाकुर जी वाकुर जी सब बिखरे पड़े हुए थे। एक मेरी गणेश जी की मूर्ति चलेगी 100 ग्राम चांदी की, और जो नग का धंधा करता हूँ मैं, तो नगन का मैं डिब्बे में 2-3 हज़ार रुपये थे, मैं निखड़ गया। सारा सामान देखा और तो सारा सामान यही बस ठोके रहा है। कितने बजे के आसपास की घटना है ये? हो सके 2-3 बजे की। रिपोर्ट दे दिया? मैं सुबह कोतवाली पहुंच गया, कोतवाली लगी कैमरा खींच मोरी मोबाइल बन कर दिया। लगभग कितने का नुकसान हुआ? मेरा हो गया 100 ग्राम तो चांदी की, वो मूर्ति गणेश जी की लगा लो 7-8 हज़ार, तो आज 8